मुकुल वर्षा, अमित हर्षिल, पोदिया चंदन, अमित हाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? जितने भी बच्चे लाइव है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुके? ओके, ठीक है। तो मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएजीएस की मेंटोर हूँ। मेरा 3 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये अन अकेडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके बैच ऑलरेडी 31 मार्च से शुरू हो चुके हैं। तो आप सारे बच्चे इस बैच में एनरोल कर लें। जिसके पास भी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप मेरा कोड यूज़ करिएगा वर्षा। अन अकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 30+ बैचेस एवरी वीक मिल जाते हैं, 300+ क्लासेस पर डे, 70+ एजुकेटर, 40,000 आर से भी ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना जितने भी क्लास में आए हों। तो आलिम हाय, हर्षल मैं ठीक हूँ, वो आकाश मैं नहीं कर सकती, ठीक है। और आपका कंप्लीट रिवीजन बैच भी आ रहा है 31 मार्च से, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आ चुका है, इसको भी आप एनरोल कर ले। अन अकेडमी कॉम्बेट जो कि आपका एवरी संडे होता है 12 बजे, इसमें भी पार्टिसिपेट किया करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको मेरा यूज कोड करना है वर्षा, ठीक है। जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन ले लो। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना, 12 या 24 महीने का लेना, और कोड आप यूज़ करिएगा वर्षा, तो इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो चलो अभी हम 5 अप्रैल के करेंट अफेयर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। डीके कॉम्पिटिशन, यतीन, विजय, मोनू, मनदीप, अमित, कौस्तव, पोदिया, अमित हाय। चलिए स्टार्ट करें। पहला देखिए क्या है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक हैज लॉन्च द माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE वेब पोर्टल विच विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम April 1st to May 15, 2021। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वेब पोर्टल का माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई 2021 तक चालू रहेगा। बेसिकली जो इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि किसने लॉन्च किया है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है। उसके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशांक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे ना, उनसे सजेशंस लिए जाएंगे कि कैसे ड्राफ्ट बनाया जाए, उनसे सजेशन लिए जाएंगे कि कैसे ड्राफ्ट बनाया जाए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर का, ठीक है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर का, जिसको कि आप NPST भी कहते हैं, ठीक है। और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर मेंबरशिप का भी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस पोर्टल को बनाने का यही उद्देश्य है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे वो अपने सजेशन दें कि कैसे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर को ड्राफ्ट किया जाए, कैसे उसको बनाया जाए, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा किया गया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। अगर मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल ने अभी कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आंसर आएगा माई एनईपी 2020। तो ये इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाएगा, तो आप तीनों तरीका इसका याद रखिएगा। दूसरा देखो, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड अ बुक सुपारी पलाना बाय रिटायर्ड सिविल सर्वेंट डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की एक पुस्तक सुपारी पालन को जारी किया है। तो सबसे पहले तो ये कि सुपारी पालन किताब को किसने रिलीज किया, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिलीज किया। ये जो आपकी सुपारी पालन बुक है, ये आपकी तेलुगु बुक है। इसकी लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है। और ये एक किताब थी, उस किताब का नाम क्या था, इको द कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। एक किताब थी, पीपल, इको द कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस,
उसी किताब का ये तेलुगु वर्जन है, ठीक है। वो किताब किसने लिखी थी? इको द कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंटरिंग गवर्नेंस, ये किताब लिखी थी आपके तेलंगाना के फॉर्मर सेक्रेटरी एस के जोशी ने, ठीक है। तेलंगाना के फॉर्मर सेक्रेटरी एस के जोशी ने इस किताब को लिखा था। ऋषभ, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनअकैडमी ऐप से सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। हेलो अनिर्बन मुखर्जी, हैप्पी बर्थडे। सारे बच्चे अनिर्बन मुखर्जी को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए, उनका बर्थडे आज। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सुपारी पालाना बुक किसने लॉन्च की है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। ये तेलुगु में, ये तेलुगु में ये किताब लिखी गई है। किसने लिखी है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। और ये इको द कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का ही तेलुगु वर्जन है। और ये वाली किताब लिखी थी एस के जोशी, जो कि आपके फॉर्मर तेलंगाना के सेक्रेटरी थे। अगला देखो, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर डॉक्टर उर्जीत पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2021 फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जीत पटेल को 5 साल के कार्यकाल के लिए 31 मार्च 2021 से प्रभावी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किसको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एडिशनल डायरेक्टर चुना गया है? तो आंसर इज डॉक्टर उर्जीत पटेल, ठीक है। तो उर्जीत पटेल को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एडिशनल डायरेक्टर बनाया है अगले 5 सालों के लिए। ब्रिटानिया की अगर बात करें तो ब्रिटानिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, ठीक है। ब्रिटानिया हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसके अभी सीईओ कौन है ब्रिटानिया के? वरुण बेरी। वरुण बेरी आपकी ब्रिटानिया के सीईओ है, इसको याद रखिएगा। ब्रिटानिया आपकी 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ब्रिटानिया 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, वरुण बेरी इसके सीईओ है। और उर्जीत पटेल जो कि आपके फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे, उनको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का क्या बना दिया गया है? एडिशनल डायरेक्टर अगले 5 सालों के लिए। हाँ आकाश, वही वाला बिस्किट वाला ही सितंबर में होगा अभिलाष, ऐसी बात हो रही है। तो एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना, आधे तो पता नहीं जानबूझ के आते हैं अपना टाइम निकाल के डिसलाइक करने के लिए। तो अगला देखो, डीआरडीओ लैब डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डीएमएसआरडीई कानपुर, जो कि कानपुर में है। आपका डीआरडीओ का क्या है? सब ब्रांच, जिसका नाम क्या है? डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है, हैज डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट वेइंग 9 kg मीटिंग द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के लिए 9 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, ठीक है। तो इसको याद रखना, किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। वेट कितना है? 9 किलो। पहले जो आपका जैकेट था उसका एक तो स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं था, ऊपर से उसका वेट कितना हुआ करता था? 10.4 kg। और अगर आप 1 से 1.5 किलो एक्स्ट्रा अगर बॉडी पे अपने लाद के चलते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी वेट कम हो तो जितने भी आप हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उनके लिए वो काफ़ी क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो ये उससे 1.5 किलो हल्का है। आप कितने का है? 9 kg का है। ये BIS स्टैंडर्ड है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको पास कर दिया है। तो ये जैकेट आपका बुलेट प्रूफ है, क्वालिटी काफी अच्छी है, वेट इसका 9 kg है, और बनाया किसने है? डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इस्टैब्लिश हुआ था 1958 में, और इसके अभी डायरेक्टर जनरल है जी सतीश रेड्डी, ठीक है। जी सतीश रेड्डी इसके अभी डायरेक्टर जनरल है। अब मैं 9 PM पे लाइव नहीं होती हूँ। अभिलाष कितनी बार ही बोलूं, अभी बात हो रही है। अब जब एग्जाम हो जाए सीईटी पैटर्न पे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगला देखिए, इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी गैदरिंग स्टीम द जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैव टॉप्ड रुपीज 1.23 लाख करोड़, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन जुलाई 2017। भारत की आर्थिक रिकवरी भाप बन रही है। मार्च 2017 के जीएसटी संग्रह ने 1.23 लाख करोड़ रुपए का शीर्ष हासिल किया है। जब से आपका जीएसटी आया है तब से लेकर के अभी तक का सबसे ज्यादा रिकवरी कब हुआ है?
आपके मार्च में हुआ है, ठीक है। जीएसटी आपका लागू कब किया गया था? जुलाई 2017 में। तो जुलाई 2017 से लेकर के अभी तक सबसे ज्यादा आपका जीएसटी कलेक्शन हुआ है मार्च में, कितने का हुआ है? 1.23 लाख करोड़ का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन मार्च से लेकर के अभी तक मार्च 2021 में हुआ, और टोटल कितना हुआ? 1.23 लाख करोड़। इंग्लिश की क्लास आकाश कल से है 7:55 पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अप्रैल 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्थडे अ पब्लिक हॉलीडे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द स्कल्पचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री ऑलरेडी सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एज अंबेडकर जयंती एवरी ईयर। केंद्रीय सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के मूर्तिकार थे और देश हर साल पहले ही उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाता था। तो आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? अंबेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन उस दिन हॉलीडे नहीं हुआ करता था, पब्लिक हॉलीडे। लेकिन अब सरकार ने घोषित कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को भी हम लोग क्या होगा? पब्लिक हॉलीडे होगा, ठीक है। तो ये आपके पब्लिक हॉलीडे के लिस्ट में जा चुका है। अब हर साल 14 अप्रैल को आपका पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को, तो इसको याद रखना। फॉर्मर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जितने भी आपके इंडिया में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो कौन बनवाता है? QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। चीफ आदिल जैनुल भाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। भारत के पूर्व गुणवत्ता परिषद के प्रमुख आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो QCI के चेयरपर्सन आप किसके चेयरपर्सन बन चुके हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के। जो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अब वो किसके अंदर आता है? नेशनल नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। ये अब किसके अंदर आएगा? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, शॉर्टकट में लिख ले NPCSCB के अंदर आएगा, ठीक है, जिसको कि मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है। इसको हम मिशन कर्मयोगी के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये इसके अंदर आएगा। तो ये इसका काम क्या है? जितने भी आपके सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ट्रेन करना। इनका काम क्या होता है? जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको हर एक लेवल पे जा करके ट्रेन करना, ये इनका काम है। QCI की फुल फॉर्म लिखी तो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। खुशी, अरे अभी वीडियो, अभी क्वेश्चंस भी होंगे तो क्लास पूरी अटेंड करो आप लोग। मल्लिका श्रीनिवासन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESB, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड क्या है? PESB। एंड शी विल बी द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव टू बी अपॉइंटेड टू द पोजिशन विच इज इफेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। शी इज प्रेजेंटली द चेयरमैन एंड MD ऑफ TAFE। मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली निजी क्षेत्र की कार्यकारी होंगी जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों के लिए प्रभावी रूप से जिम्मेदार है। वह वर्तमान में TAFE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। तो मल्लिका श्रीनिवासन है जो कि आपकी CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसकी? TAFE की। TAFE क्या है आपका? ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट। तो उसकी वो अभी क्या है? CMD है, लेकिन अब वो क्या बन चुकी है? चेयरपर्सन किसकी? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड की, PESB की। और PESB का काम क्या होता है? जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर के टॉप मैनेजमेंट के पोस्ट होते हैं उसको क्या करना? अपॉइंट करना, उसके ट्रांसफर करना, ये सारे काम किसके होते हैं? PESB। तो PESB आपका एक टॉप मैनेजमेंट पोस्ट हुआ जिसमें जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर के लोग होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर सब किनका काम है? अब मल्लिका श्रीनिवासन का काम है।
तो याद रखिएगा, मल्लिका श्रीनिवासन जो कि आपकी चीफ एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट की, उनको क्या बना दिया गया है, चेयरपर्सन किसका, पीईएसबी का। कितने टाइम के लिए, अगले 3 साल के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वो पीएसबी की क्या रहेंगी, चेयरमैन रहेंगी। और ये पीएसबी किसके अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये भी याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन के अंदर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन के अभी मिनिस्टर कौन है, खुद नरेंद्र मोदी है, और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, जितेंद्र सिंह है। ठीक है, अगला देखियो, देखो एरिया एट अम्बोली इन महाराष्ट्र सिंधु दुर्ग नेम्ड एज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, अ रेयर फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड इन द एरिया। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में अम्बोली में क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्र में एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली प्रजातियों की खोज की गई है। तो महाराष्ट्र में एक जगह है सिंधुगढ़ में अम्बोली जगह, वो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, मंदिर है वहां पे, मंदिर के पास एक झील है, तो उस झील को क्या कर दिया गया है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उसको क्या घोषित किया गया है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे एक रेयर फ्रेश वाटर फिश मिली है। ठीक है, एक रेयर फ्रेश वाटर फिश मिली है, उस फिश का नाम क्या है, शिशतुरा, शिशतुरा हिरण्याकेशी। ठीक है, शिशतुरा हिरण्याकेशी उस फिश का नाम है, जो कि एक कलरफुल फ्रेश वाटर फिश है। तो ये फिश एक रेयर फिश है जो कि आपके अम्बोली के एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मिली है, एक पॉन्ड में मिली है, तो इसीलिए आपके अम्बोली को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। वैसे अगर अप्रैल सॉरी अगस्त 2020 तक की बात करें, तो अभी तक इंडिया में टोटल 18 बायोडायवर्सिटी साइट थे। ठीक है, अब एक ये भी जुड़ चुका है आपका, तो अभी 19 है। अगर वैसे कोई बीच में ऐड हुआ होगा तो एक बारी मैं देख के बताऊंगी, वैसे मेरे अकॉर्डिंग शायद अभी 19 ही है। विजय भंडारी डिपेंड करता है ना कि आपका पब्लिक है प्राइवेट है, कैसा एंटरप्राइज है। अगर आपका पब्लिक एंटरप्राइज है तो सारे सिविल सर्वेंट ही बनते हैं ज्यादातर। अगला देखिए, इंडियन रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन गेट फुली इलेक्ट्रिफाइड आफ्टर सीसीआरएस। सीसीआरएस क्या होता है, चीफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। सीसीआरएस इंस्पेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन श्रीनगर जलंधरी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। राजस्थान के राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड के सीसीआर निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद, तो आपका जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका पहला ऐसा सेंट्रल रेलवे है, सॉरी पहला ऐसा रेलवे जोन है जो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जबलपुर में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जबलपुर में है, तो ये भी याद रखना। टोटल आपका 3012 किलोमीटर को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है, फुली 3012 किलोमीटर को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड कर दिया। इलेक्ट्रिफाइड करने से आपका क्या क्या फायदा है, एक तो आपका फ्यूल बचेगा, दूसरा आपका टाइम कम लगेगा, तीसरा आपका एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका, तो वो है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। हाँ, पीयूष गोयल ने पहले तो कहा था 2023, फिर अभी 2025, फिर 27, ऐसे बात चल रही है। अब आकाश देखो कि कब तक होता है। वैसे तो पीयूष गोयल का स्टेटमेंट था कि 2023 तक ही हम फुली इलेक्ट्रिफाइड कर देंगे। ठीक है, और अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, इसको भी याद रखना। रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है, पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, रेलवे बोर्ड चेयरमैन। रेलवे मिनिस्टर अलग चीज है और रेलवे बोर्ड चेयरमैन अलग चीज है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है अभी सुनीत वर्मा। ठीक है, सुनीत वर्मा अभी आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। अगला देखिए, एनसीसी नेशनल कैडेट क्रॉप्स
हैज ऑफर्ड इट्स वॉलंटियर कैडेट टू असिस्ट द सिविलियन अथॉरिटीज टू फाइट कोविड-19 अंडर एक्सरसाइज एनसीसी योगदान. राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स ने सीएडी एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए अपने स्वयंसेवी कैडेट्स की पेशकश की है. तो एनसीसी आप लोग जानते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में. इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है. इस्टेब्लिश हुआ था ये 16 जुलाई 1948 में, 1948 में. तो और इसके लेफ्टिनेंट जनरल कौन है अभी? लेफ्टिनेंट डायरेक्टर जनरल कौन है इसके अभी? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार. इसके अभी डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार, इसको भी याद रखना. तो एनसीसी ने एक एक्सरसाइज शुरू किया है, एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है एक्सरसाइज एनसीसी योगदान. इसके तहत वो हेल्पिंग हेड बनेगी किसकी? जितने भी सिविल अथॉरिटीज है, जितने भी आपके सिविल अथॉरिटीज है उनके लिए ये हेल्पिंग हेड बनेगी. आपके 8 से लेकर के 20 लोगों का ग्रुप बना बना के ये उनको हेल्प करेगी किसमें? कोविड से फाइट करने में. ठीक है. हाँ, तरुण कुमार एच, उनका पूरा नाम है तरुण कुमार एच. नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है. 16 जुलाई 1948 को इसकी खोज हुई थी. अगला देखिए, केरला श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैज पार्टनर्ड विद विप्रो 3D टू बिल्ड अ पोर्टेबल एंड लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट. केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है जिसने आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग के आधार पर एक पोर्टेबल और हल्के आपातकालीन वेंटिलेटर सिस्टम का निर्माण करने के लिए विप्रो 3D के साथ भागीदारी की है. ठीक है. तो केरला का एक इंस्टीट्यूट है, उसने पार्टनरशिप किया है. किसके साथ किया है? विप्रो 3D के साथ, ताकि वो क्या बना सके? एक लाइट वेट, हल्के वजन का इमरजेंसी वेंटिलेटर बना सके. किसके आधार पर? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट के आधार पर. ठीक है. तो अब बस आपको ये याद रखना है कि केरला का एक इंस्टीट्यूट है, उसने विप्रो 3D के साथ साझेदारी की है ताकि वो एक लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर बना सके. किसके आधार पर? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट के आधार पर. तो यहाँ पे आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट याद रखना, AMBU की फुल फॉर्म होती है. ठीक है. इसके अलावा बात करें विप्रो की, तो विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में. ठीक है. और इसके अभी चेयरमैन कौन है विप्रो के? आजिम प्रेम जी के बेटे रिशाद प्रेम जी. ठीक है. रिशाद प्रेम जी अभी आपके विप्रो के चेयरमैन है. क्लियर नहीं दिखाई दे रहा यशवंत आपको? अगला देखिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, नरेंद्र तोमर हैज लॉन्च्ड 3 न्यू फीचर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईनम. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की फुल फॉर्म क्या है? ईनम. टू इनेबल फार्मर्स टू सेल दियर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द वेयर हाउस, विच विल प्रिवेंट क्राउडिंग इन मंडी अमिड कोविड-19 आउटब्रेक. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ईनम के 3 नए फीचर लॉन्च किए हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल का उत्पादन गोदाम से करने में सक्षम बनाया जा सकेगा. ठीक है. तो आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 दोबारा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है. तो इसी के चलते जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने नए 3 फीचर लॉन्च किए हैं जिससे कि किसान जो है अपना जो फसल है डायरेक्टली वेयर हाउस में पहुंचा सकते हैं, मंडी वंडी का कुछ चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा उनको. ठीक है, ये याद रखना. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, UNGA आपके जितने यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल है, 6 ऑर्गन्स है, उनमें से एक है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है. और इसके अभी हेड कौन है? वोल्कन वोस्किर इसके अभी हेड है. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिजीज 2019, को स्पॉन्सर्ड बाई 188 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया. तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत सहित 188 देशों द्वारा सह प्रायोजित कोरोना वायरस बीमारी 2019 से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता को अपनाया है. तो यूनाइटेड नेशन ने क्या अपनाया है?
ग्लोबल सॉलिडरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिजीज। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल में किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सॉलिडरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिजीज 2019 को अपनाया है। तो आंसर इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अपनाया है ताकि वो और उसके जो 188 मेंबर है जितने भी यूएन के, वो एक साथ क्या कर सके, कोरोना वायरस से लड़ सके। अगला देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इट्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लोग जानते हैं कहाँ पे है आपका, मनीला फिलीपींस में। इसके हेड कौन है अभी, मसात सोगो आसाकावा, ठीक है, आसाकावा। और इसके अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके, अशोक लवासा, जो कि आपके फॉर्मर क्या रह चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल सब, तो उसका नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। जो उसकी रिपोर्ट है उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो उसने क्या फोरकास्ट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी वो 2021 के लिए कितनी होगी, 4%, और 2022 के लिए कितनी होगी, 6.2%। तो याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, उसके हिसाब से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2021 के लिए वो रहेगी आपकी 4%, और 2022 के लिए रहेगी 6.2%। ओके, राम राम विष्णु प्रजापति। तो जितने भी बच्चे नए आए हो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दो, अभी तक आप लोगों ने 100 लाइक भी कंप्लीट नहीं किए हैं। डिसलाइक वाले जितनी जल्दी डिसलाइक करते हैं तो लाइक वाले भी उतनी जल्दी लाइक कर दिया करो। अगला देखो, द साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स ऑफ द बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ एन इंडिजीनियस वेंटिलेटर अंडर प्रोजेक्ट प्राण टू हेल्प पेशेंट विद लंग डैमेज ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन। बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक और छात्रों ने कोविड-19 संक्रमण के कारण फेफड़ों की क्षति वाले रोगियों की मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो आप लोग जो जितने भी बेंगलुरु के स्टूडेंट्स थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोटोटाइप वेंटिलेटर लॉन्च किया है, किसके तहत, प्रोजेक्ट प्राण के तहत। प्रोजेक्ट प्राण आपका लास्ट ईयर जून 2020 में आया था। तो जो ये प्रोजेक्ट प्राण है इसमें क्या है, लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाना। जितने भी आपके बेंगलुरु के स्टूडेंट थे बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट के, वो क्या कर रहे थे, लो कॉस्ट वेंटिलेटर बना रहे थे। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ा था तो बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी, और एक वेंटिलेटर को बनाने का बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट प्राण आया था जिसके तहत बेंगलुरु के स्टूडेंट ने मिलकर के क्या बनाया था, एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर प्रोजेक्ट प्राण के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अभी भी साइंटिस्ट और स्टूडेंट जितने भी बेंगलुरु के थे इंडियन इंस्टीट्यूट के, उन्होंने क्या किया है, डेवलप एक इंडिजीनियस वेंटिलेटर प्रोजेक्ट प्राण के तहत, जो कि जितने भी कोरोना वायरस से वाले पेशेंट है जिनका लंग डैमेज हुआ है उनको मदद की जा सके, उनकी मदद करने के लिए एक वेंटिलेटर बनाया है प्रोजेक्ट प्राण के तहत। अभी शुभम क्वेश्चन आएंगे आपके सेम यही वाले। गीता रामजी वर्ल्ड रिनोल्ड वीरोलॉजिस्ट पास्ड अवे इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका ड्यू टू कोविड-19। शी वॉज द स्टेलर वैक्सीन साइंटिस्ट एंड एन एचआईवी प्रिवेंशन रिसर्च लीडर। गीता रामजी विश्व प्रसिद्ध वीरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, कोविड-19 के कारण। वो तारकीय वैक्सीन वैज्ञानिक और एक एचआईवी रोकथाम शोध नेता थी, ठीक है। तो आपकी जो गीता रामजी थी वो वर्ल्ड की फेमस रिनोन्ड वीरोलॉजिस्ट थी। तो उनका अभी देहांत हो गया, कहाँ पे हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, किसके कारण हुआ, कोविड-19 के कारण हुआ। वो आपके एचआईवी से कैसे बचा जाए इस पे काम कर रही थी, ठीक है। उनको साथ ही साथ 2018 का आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला था। 2018 में उनको आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला था। और वो कहाँ की रहने वाली थी, साउथ अफ्रीका की, भारतीय मूल की थी लेकिन कहाँ की थी, नेशनैलिटी उनकी क्या थी, साउथ अफ्रीका थी। तो याद रखिएगा, गीता राम जी जो कि एक वीरोलॉजिस्ट थी, उनका प्रोफेशन क्या था, वो एक वीरोलॉजिस्ट थी, ये भी याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
एडम लियोन स्ले सिंगर अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड बेसिस्ट वॉज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52 ड्यू टू कोविड-19 इन पोकेप्सी न्यूयॉर्क यूएस। एडम लियोन स्ले सिंगर अमेरिकी गायक गीतकार रिकॉर्ड निर्माता और बास वादक का 52 साल की उम्र में अमेरिका के पोकेप्सी में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हाल ही में एडम लियोन स्ले सिंगर का निधन हो गया है, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो सबसे पहली बात, वो अमेरिका के रहने वाले थे, और दूसरी चीज़ ये पूछी जाएगी कि वो क्या थे। वो सिंगर थे, डॉक्टर थे, एक्टर थे, राइटर थे, क्या थे? तो आपको याद रखना है वो क्या थे, म्यूजिशियन थे। अगर म्यूजिशियन आ जाए तो म्यूजिशियन थे, सॉन्ग राइटर आ जाए तो सॉन्ग राइटर थे, सिंगर आ जाए तो सिंगर थे। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले थे ये? यूएस के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और ये क्या थे, एक सॉन्ग राइटर म्यूजिशियन थे। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA हैज अनाउंस्ड द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स विच विल बी होस्टेड इन शेंताओ इन चाइना फ्रॉम नवंबर 20 to 28, 2021। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की घोषणा की है, जिसे 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक चीन के शांताओ में आयोजित किया जाएगा। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एशियन यूथ गेम्स का तीसरा एडिशन कहाँ पे होस्ट करने की घोषणा की है? तो आंसर इज चाइना में। अगर जगह पूछ ले तो शेंताओ जगह का भी नाम याद रखना, ठीक है? तो चलो, आप क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैज लॉन्च द माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वेब पोर्टल के माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक ने, एंड ऑप्शन डी अमित शाह ने। तो आंसर दो। तो मोनू आकाश, हर्ष, जुनो, अमृता, लोकेश, हर्षिल, सौरभ, मंदीप, अनिर्बन मुखर्जी, अमृता, शिवम, शुभाशीष, सभी का आंसर है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। किसने लॉन्च किया है माई NEP 2020? रमेश पोखरियाल निशंक। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछ ले तो मिनिस्ट्री याद रखना, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सुपारी पलाना? निम्नलिखित में से कौन सुपारी पलाना पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए शंकर विश्वास, ऑप्शन बी रंजीत कुमार कालरा, ऑप्शन सी शैलेंद्र जोशी, एंड ऑप्शन डी विनोद कुमार। अब जल्दी से लाइक भी करो, 94 ही लाइक है अभी तक, अभी तो तुम लोगों ने 100 लाइक भी कंप्लीट नहीं किए। तो शुभाजीत, सुजीत, हर्षवर्धन, शुभाशीष, अनिर्बन मुखर्जी, मंदीप, शिवम, विश्वजीत, अमृता, विजय भंडारी, हर्षिल, संतोष कुमार, सबका आंसर आ रहा है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। किसने किया है? शैलेंद्र जोशी ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करेक्ट आंसर इज सी, सभी का, मोनू राठौर का भी सही है, जुनू कुमारी का भी सही है, विष्णु प्रजापति का भी, हाय एकराम राजा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज? ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल को, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार मिश्रा को, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला को, एंड ऑप्शन डी राजीव गौबा को। कौस्तुभ, तुम बकवास कर रहे हो तो तुम्हारा नाम कैसे लो बताओ? और जब मैंने बोला लाइक कर दो तो एक ने जो लाइक कर रखा था उसने डिसलाइक कर दिया, और एक ने एक्स्ट्रा और डिसलाइक कर दिया। तो राम कृपाल, शुभजीत, अमित, संजय, सौरभ, विश्वजीत, आकाश, हर्षिल, अमृता, लोकेश, मोनू, शुभाशीष, संतोष, आशीष, संदीप, विष्णु, हर्ष, विजय भंडारी, सबका आंसर आ रहा है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, उर्जित पटेल। हेलो सोमी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, DRDO लैब डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्मी रिसेंटली, व्हाट इज द वेट ऑफ द जैकेट दस डेवलप्ड? DRDO लैब ने हाल ही में सेना की आवश्यकताओं के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं, इस प्रकार के विकसित जैकेट का वजन कितना है? ऑप्शन ए 4 किलो, ऑप्शन बी 9 किलो, ऑप्शन सी 11 किलो, या ऑप्शन डी 8 किलो। तो अमृता, संजय, हर्षिल, शुभम, हर्षवर्धन, बिस्लाल, अनिर्बन मुखर्जी, मोहित, सॉरी मोनू,
मनदीप, शिवम, विष्णु, लोकेश, हर्षिल, राम कृपाल, सबका आंसर आ रहा है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। लोकेश आपका गलत है, करेक्ट आंसर इज बी, 9 किलो। ठीक है, कितना है वेट? 9 किलो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन मार्च 2021? मार्च 2021 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या राजस्व एकत्र किया है? ऑप्शन ए 1.23 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.15 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1.06 लाख करोड़, एंड ऑप्शन डी 1.38 लाख करोड़। रंजीत, मैंने बोला था क्लास कल से होगी, लेकिन बस क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे इसलिए नहीं हुआ आज, लेकिन कल आपका 7:55 पे होगा। ठीक है, तो लोकेश, शुभाशीष, आकाश, शुभम, हर्षिल, अनिर्बल मुखर्जी, एक राम, गणेश मीना, सौरभ, विजय भंडारी, विश्वजीत, आकाश, अमृता, हर्षिल, सबका आंसर आ रहा है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। खुशी और हर्षिल, आंसर इज ए, 1.23 लाख करोड़ इज द करेक्ट आंसर। विष्णु, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द बर्थडे ऑफ डॉक्टर अंबेडकर एज अ पब्लिक हॉलीडे फॉर ऑल इट्स ऑफिसेस। केंद्र सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन को अपने सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ऑप्शन ए 12 अप्रैल को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल को, ऑप्शन सी 15 अप्रैल को, या ऑप्शन डी 11 अप्रैल को। तो विशाल, एकराम, संजय, दिवांशु, लोकेश, आदित्य, शिवम, शुभजीत, शुभाशीष, मनदीप, संजय, हर्षवर्धन, अमृता, हर्षिल, दिवांशु, रामकृपाल, संतोष, सबका आंसर है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। 14 अप्रैल को आपका क्या होगा? पब्लिक हॉलीडे होगा, सारे स्कूल, कॉलेज और जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस है सब बंद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अंडर मिशन कर्मयोगी? मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आदिल जैनुला भाई, ऑप्शन बी मनजिंदर सिंह, ऑप्शन सी प्रवीण परदेसी, एंड ऑप्शन डी रामास्वामी बाला सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, तो हर्षिल का सेवेंथ का ए, आदित्य का डी, अमृता का ए, शुभम का सी, संजय का ए, हर्षिल का ए, विशाल, मनदीप, राजेश का डी, हर्षिल का, संजय का, सबका ए है, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, आदिल जैनुल भाई। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, इन द फर्स्ट मल्लिका श्रीनिवासन अ प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड रिसेंटली, शी इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी? पहले मल्लिका श्रीनिवास एक निजी क्षेत्र में कार्यकारी को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, वो निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी के अध्यक्ष है? ऑप्शन ए टाफे की, ऑप्शन बी कैप जेमिनी की, ऑप्शन सी सुंदरम क्लेटन की, एंड ऑप्शन डी ब्रिटेनिया की। तो हर्षिल का एट का ए, संजय का, शुभजीत, सौरभ, अमित, हर्षिल, अमृता, हर्षवर्धन, मनदीप, लोकेश झा, शिवम, अमृता, रेखा, शुभाशीष, बिस्लाल, संजय, आकाश, सबका आंसर है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। टाफे की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एन एरिया एट अम्बोली महाराष्ट्र सिंधु दुर्ग वॉज नेम्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रिसेंटली, वॉट काइंड ऑफ रेयर स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड इन द एरिया? महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के अम्बोली में एक क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल का नाम दिया गया है। क्षेत्र में किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई? ऑप्शन ए फ्रेश वाटर फिश की, ऑप्शन बी डाइटम्स की, ऑप्शन सी प्लैंकटन की, एंड ऑप्शन डी क्रोकोडाइल की। तो हर्षवर्धन, हर्षिल, अमृता, संजय, बिस्लाल, सौरभ, रेखा, आदेश, शुभाजीत, जितेंद्र, विश्वजीत, संजय, रामकृपाल, राजेश, मनदीप, लोकेश, हर्षिल, कौस्तव, अमृता, सबका आंसर है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रेश वाटर फिश। और उस फिश का नाम याद रखना, शिस्तुरा हिरण्याकेशी है इस फिश का नाम। क्वेश्चन नंबर टेंथ, विच रेलवे जोन बिकेम 100% फुली इलेक्ट्रिफाइड रिसेंटली? हाल ही में कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है? ऑप्शन ए कोंकण, ऑप्शन बी नॉर्थ सेंट्रल, ऑप्शन सी सदर्न, एंड ऑप्शन डी वेस्टर्न सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर टेंथ, अरे जल्दी जल्दी लाइक करो तुम लोग, शेयर भी कर दो, जितने भी बच्चे हो जिस भी ग्रुप में हो जल्दी शेयर करो ताकि और बच्चे जुड़े। अभी 10 क्वेश्चन बाकी है तो थोड़ा आपका भी कंपटीशन बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो ज्यादा लाइक और शेयर करो जल्दी से।
तो संजय, अनिरुद्ध, मनदीप, राम कृपाल, अमृता, लोकेश, हर्ष, मुलायम, राहुल, खुशी, विश्वजीत, सोमी, आनंद, शुभजीत, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपके दीपक सिंह सिसोदिया एसएससी में 10 से 12 करंट अफेयर आ जाएंगे अब मेरे अनुमान से। तो आंसर इज डी, वेस्ट सेंट्रल, सबका आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स लोकेटेड। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, या ऑप्शन डी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 11, आकाश बाकी का नहीं पता, शायद तुम कर देते होंगे लगता है। शुभजीत, हर्षवर्धन, हर्षिल, राजेश, आदेश, अनिरुद्ध, मनदीप, लोकेश, रामकृपाल, संजय, शिवम, अनिर्बल मुखर्जी, राजेश, दीपक सिंह, लोकेश, मुलायम, सबका आंसर है नई दिल्ली, एंड नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अभी एनसीसी के हेड कौन है? तरुण कुमार एच, ठीक है, एनसीसी हेड तरुण कुमार। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी केरला बेस्ड एस सी टी आई एम एस टी कोलैबोरेटेड टू मेक पोर्टेबल लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम। किस कंपनी के साथ केरल स्थित एस सी टी आई एम एस टी ने पोर्टेबल लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम बनाने के लिए सहयोग किया? ऑप्शन ए टी सी एस के साथ, ऑप्शन बी सी टी एस के साथ, ऑप्शन सी आई बी एम के साथ, या ऑप्शन डी विप्रो 3D के साथ। तो हाय उदय, हाय शुभम, तो राकेश, एक राम, संजय, शुभजीत, हर्षिल, अमृता, हर्षवर्धन, शिवम, सौरभ, राम कृपाल, आकाश, अनिरुद्ध, शुभम, अनिर्बन मुखर्जी, सौरभ, स्टुअर्ट, मुलायम, खुशी, राहुल, उदय, सबका आंसर है, अमित का भी डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमित बी नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, विप्रो 3D के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च थ्री फीचर इन ई नम प्लेटफॉर्म टू इनेबल फार्मर्स टू सेल दियर हार्वेस्टेड प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम वेयर हाउस। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ई नम प्लेटफॉर्म में तीन सुविधाएं शुरू की है जिससे किसान अपने कटे हुए उत्पाद को सीधे वेयर हाउस से बेच सके। वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन है, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी महेंद्र नाथ पांडे, एंड ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो सबका आंसर है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर आपके पंचायती राज मिनिस्टर भी है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है। ठीक है, हर्षवर्धन आपके अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है, फैमिली हेल्थ फेयर मिनिस्टर है, अर्जुन मुंडा आपके ट्राइबल मिनिस्टर है, और महेंद्र नाथ पांडे आपके स्किल मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ग्लोबल सॉलिडरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिजीज 2019। उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोरोना वायरस 2019 से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता का संकल्प अपनाया है। ऑप्शन ए WHO ने, ऑप्शन बी G20 ने, ऑप्शन सी UNGA ने, एंड ऑप्शन डी G7 ने। तो विस्लाल, सपना, शुभाशीष, अमित, विजय, ईशु, राहुल, संजय, राकेश, हर्षिल, बिस्लाल, लोकेश, अमृता, शिवम, रामकृपाल, अनिरुद्ध। अभी सपना, ऐसे कोई ख्वाब मत देखो कि एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन होगा, अभी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, इस उम्मीद में मत रहो कि पोस्टपोन होगा। हर्षवर्धन का भी सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, UNGA। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर एशियन डेवलपमेंट लुक ADO बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, व्हाट इज इंडियाज ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट लुक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की वृद्धि क्या है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 4.5%, एंड ऑप्शन डी 2.5%। तो हर्षिल का 15 का बी, आकाश का 4.5, अमृता का बी, राजेश का सी, शुभाशीष का बी, हर्षिल का बी, सौरभ का बी, आकाश का 4.5, मनदीप का 4%, सोमी, राहुल, हर्षिल, अनिर्बन मुखर्जी, सौरभ, स्टुअर्ट, राजहंस का ए है। तो खुशी का भी बी है, विद्युत का भी बी है, ईशु का भी, मुलायम का भी, सोमी का भी, कैलाश का भी, एंड करेक्ट आंसर इज बी 4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द प्रोटोटाइप इंडिजीनियस वेंटिलेटर अंडर प्रोजेक्ट प्राण? किस भारतीय संस्थान ने परियोजना प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर के लिए प्रोटोटाइप विकसित किया है? ऑप्शन ए NIIT
तिरची, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली एंड ऑप्शन डी आईआईएससी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे लाइक कर दो, जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करते रहो। और डेली क्लास का टाइम रहता है 11:15 पे, तो 11:15 पे सभी अपने नाम का दर्शन मुझे दे दिया करो, ताकि सभी के नाम मुझे फोन के स्क्रीन पे दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 16, सबका आंसर आ रहा है बी एंड डी। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी, जैसे कि राहुल का बी है, लक्ष्मी का बी है। तो राहुल, लक्ष्मी, लोकेश और हर्षिल, आप लोगों का आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज डी, आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गीता राम जी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। गीता राम जी जिन जो 2 अप्रैल 2020 की खबर है वो क्या है? ऑप्शन ए केमिस्ट, ऑप्शन बी वायरोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी फिजिशियन है, या ऑप्शन डी ग्राफिक डिजाइनर। क्वेश्चन नंबर 17, बताओ। पानी और सांस, पानी है मेरे पास और सांस भी ले ही रही हूँ, मेरा सांस के तो कोई जिंदा रहता ही नहीं है। एंड आंसर इज बी वायरोलॉजिस्ट थी वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आदम लियोन सिंगर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज। आदम लियोन सिंगर जो इनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? ऑप्शन ए सोशल वर्कर थे, ऑप्शन बी म्यूजिशियन थे, ऑप्शन सी एक्टर थे, या ऑप्शन डी जर्नलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 18, तो शुभाशीष 18 का बी, अमृता का बी, एकाराम का बी, विश्वजीत, बिस्लाल, अनिर्बल मुखर्जी, ईशु, रामकृपाल, हर्षिल, जितेंद्र, लक्ष्मी, विश्वजीत, संजय, मनदीप, सोमी, विजय, मुलायम, आदेश, राकेश, शुभम। सबका आंसर है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से थे ये? अमेरिका से थे, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द कंट्री विच होस्ट द 3rd edition ऑफ एशियन यूथ गेम्स इन 2021। 2021 में एशियन युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी थाईलैंड एंड ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 19, तो विजय का चाइना, शुभजीत का चाइना, शुभम का इंडिया, विद्युत का इंडिया, रामकृपाल का चाइना, हर्षिल का इंडिया, नहीं सॉरी हर्षिल का भी चाइना ही है, शुभम ठाकुर का इंडिया है, विश्वजीत का चाइना, मनदीप का चाइना, लोकेश का जापान। तो लोकेश एकदम अलग ट्रैक पे जाते हुए, अनिर्बल मुखर्जी का चाइना एंड करेक्ट आंसर इज चाइना, हर्षवर्धन का भी चाइना, राकेश का भी, सोमी इंडिया नहीं होगा, चाइना होगा। ठीक है, 20, और ये अभी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे दिल खोल के लाइक करो और शेयर भी कर देना, कल से डेली सब अपने दोस्तों को लेके आना। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द ऐप विच वॉज टेस्टेड बाई गवर्नमेंट टू लोकेट क्वारंटाइन वायलेटर्स। उस ऐप का नाम बताइए जिसका सरकार द्वारा संगरोध उल्लंघनकर्ताओं का पता लगाने के लिए परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए कोरोना कवच, ऑप्शन बी जियो फेंसिंग, ऑप्शन डी सॉरी सी सेफ एंड ऑप्शन डी काउ इन 19। क्वेश्चन नंबर 20, तो हर्षिल शुभाशीष का डी, हर्षिल का डी, रामकृपाल का डी, शुभम का ए, अमित कुमार हाय, अमित कुमार हाय, हेलो, गुड इवनिंग, और जाने टाइम के लिए एडवांस में गुड नाइट भी। ठीक है अमित, तो सबका आंसर है डी एंड करेक्ट आंसर इज, किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया, करेक्ट आंसर है बी जियो फेंसिंग। ठीक है, जियो फेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी नए बच्चे थे, अनिर्बल मुखर्जी फिर से आपको हैप्पी बर्थडे, वैसे आपका बर्थडे का टाइम खत्म हो गया, और सारे बच्चे भी आप बोल दीजिए उनको बर्थडे। और रही बात मेरी, तो मैं आपकी क्लास डेली कितने बजे लेती हूँ? रात को 11:15 पे। और अनअकैडमी के ऐप पे मैं आपकी डेली क्लास कितने बजे लेती हूँ? 4:55 पे, और कल से लूँगी 7:55 पे। 4:55 पे आपकी GA GS की क्लास होती है, और 7:55 पे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। बस कुछ मत करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्पल वाले अपने एप्पल स्टोर पे चले जाना, और क्या करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपनी डिटेल्स को फिल कर देना,
डिटेल्स को फिल करने के बाद उसमें अपना गोल चूज कर लेना एसएससी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी चूज कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे आपका एमपीएससी चूज कर लेते हैं, कुछ तो सीबीएसई भी चूज कर लेते हैं, कुछ नीट कर लेते हैं, कोई आईआईटी कर लेता है। तो पहले गोल चूज किया करो एसएससी, बाद में उस गोल को चेंज कर लेना, बेशक रेलवे वेलवे जो भी करना है कर लेना। तो पहले गोल चूज करना एसएससी, उसके बाद मेरा नाम सर्च करना वर्षा सिंह। तो जैसे ही मेरा नाम सर्च करोगे ना, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो सबसे पहले काम करना उसको फॉलो करना, और मेरी या फिर किसी भी टीचर की पहली बार जब क्लास देखेंगे तो आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा। तो इनवाइट कोड डालिएगा वर्षा, तो आप फ्री में सारी क्लास को एक्सेस कर पाएंगे, फ्री क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। पेड वाले के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप मेरा ही कोड यूज करिएगा वर्षा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही था, कल मिलेंगे 4:55 पे। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ो और सभी को ऑल द बेस्ट। और कोई एग्जाम अभी आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस उम्मीद में मत रहो कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। जब होगा तब का तब देखा जाएगा, ठीक है? तो मनदीप, शुभाशीष, अमृता, रेखा, शिवा, मोनू, हर्ष, राजहंस, राजहंस आपको मेरी क्लास आपको अनअकैडमी पे नहीं मिली ना, तो अभी आप चैट के ऊपर आपको क्रॉस का एक निशान दिख रहा होगा, उस क्रॉस पे क्लिक करो। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है 5 अप्रैल 2021 करंट अफेयर जीएस टारगेट, उसके साइड में एक ऐसा एरो बना होगा, उस एरो पे क्लिक करो। जब एरो पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे दिखाएगा वर्षा सिंह प्रोफाइल लिंक, उस प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करो। डायरेक्ट आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे, वहां पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है? ओके विद्युत, आपको भी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। एकाराम, मोनू, सभी को ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से रहो, खाओ पियो मस्त रहो, और अच्छे से एग्जाम निकाल लो जल्दी से, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और सब्सक्रिप्शन जब भी लेना, आप लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबको बोलिएगा कि वो मेरा कोड यूज करे वर्षा, जिससे कि उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई फ्री क्लास को भी अगर ओपन करता है फर्स्ट टाइम, तो मेरा ही कोड यूज करिएगा, ठीक है? तो राहुल, विश्वजीत, मोहन, मोनू, विद्युत, हर्षिल, चलो बाय बाय सबको। रेखा बाय, तो सभी लाइक भी कर देना जिसने लाइक नहीं किया हो। तो अभी के लिए टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।